तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो फोटो एडिटिंग है, ये मैंने मात्र दो ही फोटो से फोटो एडिटिंग की है। इसमें हमने बैकग्राउंड भी ऐड किया है और इसमें ना ही कोई PNG की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी भी चीज़ की। तो बहुत ही कमाल का एडिटिंग करके बताऊंगा इस फोटोशॉप में। अगर आप कुछ इस टाइप का फोटोज एडिट करने के लिए सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फोटोशॉप हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे फोल्डर्स में बहुत सारे फोटोज हैं। थोड़ा सा इनको फोटो को बड़ा करके दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर किसी दो फोटो को लेकर के हम फोटो एडिटिंग करने वाले हैं और उस दो फोटो के माध्यम से ही कमाल का फोटो एडिटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले अपने फोटोशॉप में चलता हूँ और यहाँ पर मैं पहले एक साइज ले लेता हूँ। अब साइज लेने के लिए सिंपली आपको फाइल में क्लिक करना है, यहाँ पर न्यू में क्लिक करना है और उसके बाद कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे। प्रीसेट साइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं फिलहाल एक A4 साइज लेने वाला हूँ, A4 साइज ले लेता हूँ। और रेजुलेशन यहाँ से आपको 300 तो रखना ही रखना है। और यहाँ जो नाम का जो सेक्शन है, इस जगह पे मैं नाम कुछ ऐसा लिख देता हूँ जैसे फोटो एडिटिंग। फोटो एडिटिंग लिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका पेज आया है, ये देख सकते हो, ये आपका जो है कि खड़ा में है। इसको लैंडस्केप में करने के लिए इमेज में जाएंगे, पोर्ट्रेट कैनवास, और यहाँ पे 90 डिग्री CW पे क्लिक कर देना है, जिससे आपका ये पेज रोटेट हो जाएगा। उसके बाद इसको खींच करके इस प्रकार से बड़ा कर लेंगे और उसके बाद विंडो में क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेयर पर क्लिक करेंगे, जिससे कि यहाँ पे साइड में आपका लेयर पैनल ओपन हो जाएगा। इसको भी यहाँ से खींच करके बड़ा कर लूंगा मैं। उसके बाद हम चाहेंगे उस फोल्डर पे जहाँ पर हमारा ये फोटोज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिंपली मैं इस फोटो को मैं ले लेता हूँ, जैसे कि फिलहाल मेरे पास यहाँ पे एक और फोटो है। इस फोटो को मैं यहाँ पे अपने फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ और मैं क्या करूंगा, इस फोटो को यहाँ पे स्मूथ टूल्स की मदद से इसे ड्रैग करके यहाँ पर ले आऊंगा। और ये फोटो देख सकते हो यहाँ पर ये आ चुका है। Ctrl+T प्रेस करेंगे, यहाँ से इसको लगा करके इस प्रकार से Shift को प्रेस करके यहाँ पे इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। और सबसे पहले मैं इसका एक बैकग्राउंड बना लूंगा। अब यहाँ पर फोटो तो आ चुका है, इसका बैकग्राउंड बनाने के लिए इसे मुझे ब्लर करना पड़ेगा। और ब्लर करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे फिल्टर में क्लिक करना है, उसके बाद ब्लर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से गॉजन ब्लर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से इसका जो रेडियस वाला यहाँ पे जो ऑप्शन है, इस चैनल को पकड़ के आगे करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये बैकग्राउंड आपका ब्लर हो चुका है। इसको यहाँ से क्या करेंगे, चाहे तो और ज्यादा ब्लर भी कर सकता हूँ और सिंपली यहाँ से मैं ओके पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पर ये जो कलर है, इसको थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+U प्रेस करना है, जिससे कि आपका यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन वाला ऑप्शन खुल जाएगा। और यहाँ पे ह्यू वाला जो ऑप्शन है, इस चैनल को जब आगे पीछे करेंगे तो आपका यहाँ पे इसका कलर जो है चेंज होता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल भी मैं इसको 0 ही रखता हूँ और इस प्रकार से थोड़ा सा इसको एनहांस कर लेता हूँ। लाइटनेस थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और ह्यू को भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। इससे क्या हो गया कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा इनहेंस हो गया और इसको थोड़ा सा और स्मूथ बनाने के लिए एक बार फिर से यहाँ पे मैं गॉजन ब्लर चलाऊंगा। तो ब्लर में जाके गॉजन ब्लर पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और स्मूथ हो गया। उसके बाद ओके पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो फोटोज है, इस फोटोज को आप फिर से दोबारा से यहाँ पे ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने पर देख सकते हो फोटो छोटा आ रहा है। इसको Ctrl+T करेंगे और Shift के साथ इस प्रकार से इसे बढ़ा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो फोटोज है, इसमें हमारा ये बैकग्राउंड है। अब इस बैकग्राउंड को रिमूव कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे सिंपल तरीका, यानी कि इसको ब्लेंड कर देंगे। अभी तो इसको पूरी तरीके से रिमूव हम करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कमाल का फोटो लगेगा देखने में। ठीक है, क्योंकि जो फिदराइज वाला जो ऑप्शन होता है ना, वो कमाल का होता है ऑप्शन। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इरेजर टूल पे क्लिक करना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और सिंपल वाला इरेज टूल ले लेंगे यहाँ से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रश टूल वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मोड वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे मोड में आपको पेंसिल, ब्लॉक, बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओपेसिटी 100 रखना है और फ्लो भी आपको 100 रखना है। और यहाँ पे ब्रश वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको स्मूथ ब्रश ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे 35 नंबर या 40 नंबर जो भी आपको ब्रश पसंद है वो ब्रश आप ले लेना। ठीक है, लेकिन इसका डायमीटर को थोड़ा सा बड़ा कर लेना। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा करना है आप। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। और अब यहाँ पर जब आप चलाएंगे साइड साइड में, तो ये आपका जो है कि बैकग्राउंड एकदम से इसके बैकग्राउंड के साथ ये एकदम से मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इस प्रकार से चलाएंगे, देख सकते हो कितना ज्यादा आसानी से ब्लेंड हो रहा है और लग रहा है कि यहाँ पे बैकग्राउंड हमने रिमूव कर दिया हूँ। तो कुछ इस प्रकार से एडिटिंग जब आप करेंगे तो ये बैकग्राउंड रिमूव करने से ज्यादा इसमें आपको लुक दिखाई देंगे। अब इसको छोटा करके भी आप ब्लेंड कर सकते हो कहीं कहीं पे। ठीक है, उसके बाद इतना जब हो जाएंगे तो इसको सबसे पहले यहाँ से Ctrl+T करता हूँ और राइट क्लिक करके इसको यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा कि ये फोटो जो है आपका इस प्रकार से यहाँ से
रोटेट कर दिया तो इससे आपका ये फोटो पहले रोटेट हो जाएगा और उसके बाद इसको मुझे ब्लैक एंड व्हाइट करना है। ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए इमेज पे क्लिक करना है और एडजस्टमेंट में क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे डी सेचुरेट, ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो फोटोज है थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है, ठीक है, तो इसको कंट्रोल टी करके इस प्रकार से आप बड़ा भी कर सकते हो। चलिए अब मैं जाता हूँ उस फोल्डर में जहाँ पर हमारा ये फोटोज है, तो अब ये वाला जो फोटोज है इस फोटो को भी आप ड्रैग करके अपने फोटोशॉप में ओपन कर लें और इस फोटो को क्या करना है, सिंपली इस प्रकार से इसे ड्रैग करके इधर के साइड में आपको ले आना है और जैसे ही ले आएंगे कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ से इसे बड़ा कर लेना है, ठीक है, और बड़ा करके कुछ इस प्रकार से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है, अभी हटा लेना है इसका सिलेक्शन। उसके बाद इसको भी वही ब्रश टूल की मदद से इरेजर टूल में जाएंगे और यहाँ से जो ब्रश ऑप्शन है उसके बाद इसके भी यहाँ से ब्लेंड कर लेना है ताकि ये थोड़ा और ज्यादा ब्लेंड हो जाए। इसको थोड़ा सा अभी मैं बड़ा कर लूंगा, इस प्रकार से इसे ब्लेंड कर लेना है। तो इस प्रकार से जब आप ब्लेंड कर लेंगे, देखिए लग रहा है कि बैकग्राउंड इसका रिमूव हो चुका है और बैकग्राउंड हमने रिमूव किया भी नहीं हूं मैं अभी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल टी यहाँ से इसे बड़ा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा इसको रोटेट और अब यहाँ पर आप ये हो गया, कंट्रोल टी करेंगे थोड़ा और खींच के बड़ा कर लेंगे हम, कुछ भी नहीं करना पड़ा और बहुत ही आसानी से इसका ही बैकग्राउंड लिया हमने और इसी फोटो को यहाँ पे रखा और रखने के बाद देख सकते हो कमाल का एडिट हो चुका है हमारे फोटोशॉप में। तो अब अगर आप इसको थोड़ा सा कलर इनहेंस करना चाहते हो, जैसे इस वाले फोटो का कलर मुझे इनहेंस करना है तो इस वाले फोटो को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल यू प्रेस करना है और यहाँ से आप इसका ह्यू सैचुरेशन से आप इसको इस प्रकार से चेंजेस भी कर सकते हैं और थोड़ा सा इसका कलर को इनहेंस कर दूंगा, सैचुरेट कर दूंगा और यहाँ से इसका लाइटनेस को बढ़ा घटा सकते हैं आप। तो इतना करने के बाद इसको ओके करना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना कमाल का फोटो एडिटिंग हमारा हो चुका है। और एक और इफेक्ट देने के लिए मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में, यहाँ से आपको ये सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से इसको पकड़ करके इस प्रकार से इसे यहाँ पर आपको सिलेक्शन कर लेना है, उसके बाद यहाँ से न्यू एक लेयर लेना है अपने लेयर बार में, तो उसके लिए शॉर्ट कमांड बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करना है और ओके कर देना, यहाँ से एक न्यू लेयर बन जाएगा। तो फिर से एडिट में जाइए, स्ट्रोक में जाइए और यहाँ से कम आपको 40 पिक्सल ले लेना है, ठीक है, और यहाँ पे इनसाइड कर लेना है, ओके कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि कितना जबरदस्त तरीका से हमारा ये इफेक्ट आ चुका है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये देख सकते हो इसके अंदर चला गया और इधर भी अगर इसके अंदर आप ले जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले फोटो को थोड़ा सा आपको ऊपर कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो इफेक्ट कितना गजब का लग रहा है, यानी कि इधर से भी अंदर घुस गया, इधर से भी ये अंदर घुस गया, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से आप अपना फोटो एडिटिंग कर सकते हो किसी भी फोटोज को लेकर के, ठीक है। और अब इसको हम सेव करने के लिए बताता हूँ, फाइल में क्लिक करें, सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से जहां भी आप सेव करना चाहते हो उसका लोकेशन सेट करो, फाइल का नाम यहाँ पर आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी जो मिलता है वो पीएनजी और जेपीजी में मिलेगा। अगर आप इन दो फॉर्मेट में सेव करते हो तो इस फोटो को आप कहीं भी शेयर वगैरह कर सकते हो। तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से पीएचडी में मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे डेस्कटॉप में क्लिक करके यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर हमारा फाइल सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।